आप लोगों का एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, कहाँ से आए हैं? कम ही है, आप देख सकते हैं ये फुट ओवर ब्रिज पे लोग इस तरह से चलते हैं। क्या नाम हुआ? आप लोगों का एग्जाम है सेकंड सिटिंग में, कैसी तैयारी है? अच्छा किया आपका, अच्छा किया। कितना लिखे? पूरा लिखे। इससे पहले कैसा किया एग्जाम? कौन सा सब्जेक्ट था? सेकंड सिटिंग में एग्जाम है। कहाँ से आए हैं? सुजापुरपुर से। आप किसका एग्जाम दिलवाने हैं? और खुद ही है एग्जाम, आप ही का है? आपका भी एग्जाम इसी में है? नहीं नहीं, मेरा एग्जाम नहीं। किस किसी का दिलवाने आए हैं? बहन को लेकर आए हैं। अच्छा, बहन को लेकर आए हैं। लड़की को लेकर के आए हैं? लड़की को लेकर नहीं खोल पाए। कहाँ से आए हैं? कॉलेज करने तो लड़कियां अकेले ही आती है घर से, तो यहाँ एग्जाम देने भी तो आ सकती है। उसको जाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम की जब बात होती है दूसरे जगह सेंटर पड़ता है, कैसा माहौल रहता है, कैसा ही रहता है, फिर गाड़ी। कौन सा पेपर? क्वालिटी का साइंस। हाँ, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, डिग्री के बाद पता चलेगा। सुरक्षा को लेकर नजर है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है? ना, अगर सुरक्षित रहता तो हम लोग को आना पड़ता, लड़की अकेली आती है, अकेली रहती है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं वहाँ पर दोस्त शाहजफ जी का, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अब तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर में, और इस वक्त जो है विमेंस कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। आइए यहाँ के स्टूडेंट से जानते हैं कैसा एग्जाम चल रहा है इन लोगों का, और आने जाने वाले जो भी स्टूडेंट है उनसे बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ कहते हैं वो। दोस्तों इस वक्त जो है विमेंस कॉलेज समस्तीपुर में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो सेकेंड पाली का जो एग्ज़ाम अभी होने वाली है 1:45 से, उसके लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसी तैयारी है इन लोगों की। क्या मुक्तापुर स्टेशन से? अच्छा, ये विमेंस कॉलेज में सेंटर है? हाँ। दो बजे से? हाँ। अच्छा, कौन सा पेपर? क्वालिटी का साइंस। हाँ, कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है, पूरा लिख देंगे? हाँ। अच्छा, इससे पहले जो एग्जाम सब लिखे वो सब अच्छा किया है? हाँ। ठीक है, क्या नाम हुआ? नवजीता कुमारी। आप गार्जियन है? हाँ। किसका एग्जाम दिलवाना है? सिस्टर का। सिस्टर का, इसी विमेंस कॉलेज में? हाँ, विमेंस कॉलेज। कैसा चल रहा है यहाँ पे एग्जाम? एग्जाम तो सही चल रहा है सर। आपके स्टूडेंट तो बता दिए कि अच्छा एग्जाम चल रहा है। हाँ। पूरा लिख लेती है वो लोग? हाँ, बना के आती है, पढ़ाई की हो तो बना के भी नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ से आते हैं सर? समस्तीपुर से, वही मुक्तापुर। क्या नाम हुआ? युवराज कुमार पासवान। कहाँ से आए हैं? कौन सा सब्जेक्ट आज है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पूरा लिख देंगे? अच्छी तैयारी है। हाँ। क्या नाम हुआ? ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। आप भी वहीं से आए हैं? आप कहाँ से आए? अच्छा, तो तैयारी पूरी अच्छी है? हाँ। चलिए, कहाँ से आए हुए हैं? अपने नदी का एग्जाम दिलवाने वाले हैं, रसूलपुर ठावा और जिला वैशाली हुआ। अच्छा, कैसा एग्जाम चल रहा है यहाँ पे? एग्जाम यहाँ ठीक चल रहा है, बच्चे लोग भी सब अच्छी तरह से तैयारी कर करके आए हुए हैं। हम सिर्फ अपने नतनी को साथ में लेकर के आए। तो आप तो बगल के ही है कर्पूरी ग्राम से, तो यहाँ पे अकेले भी वो सब आ सकती है, बगल में ही है जी, तो आप गार्जियन को भी डिस्टर्ब होना पड़ता है ना, गार्जियन के साथ भी चलना जाता। अरे बिहार में चाचा, बिहार में बच्ची के साथ जो इसके गार्जियन जाते हैं बाहर, समय मैंने देखा है। जाने की कोई तो बात नहीं है, लेकिन बच्चे वैसा सोच रखते हैं। बिहार में हमारे खास तौर से जो धार्मिक परंपरा है, उस परंपरा के तहत आदमी सोच रखता है कि भाई बच्चे तो यहाँ भी जाते हैं। लड़कियाँ कॉलेज करने तो लड़कियाँ अकेले आती है, तो एग्जाम भी देने आ सकती है ना, कि हाँ कोई गार्जियन हमारा साथ दे हमें। चाचा, कॉलेज करने तो लड़कियाँ अकेले ही आती है घर से, तो यहाँ एग्जाम देने भी तो आ सकती है। उसको जाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम की जब बात होती है दूसरे जगह सेंटर पड़ता है, कैसा माहौल रहता है, कैसा ही रहता है, फिर गाड़ी घोड़े में क्या है, उसको तकलीफ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो गार्जियन को एक रहना बेहतर। ठीक है, समझ में आता। ठीक है, आपका भी एग्जाम है इसमें? और यही नतनी आपकी? नतनी है। हाँ, तो कैसा एग्जाम चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इससे पहले आप लोगों एग्जाम जो दी सब अच्छा गया? आपका भी एग्जाम इसी में है? किसी का दिलवाने आए हैं? बहन को लेके आए हैं। अच्छा, बहन को लेके आए हैं। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी। एग्जाम अच्छा जा रहा है? हाँ। ठीक है, कहाँ से आते हैं? मुरादपुर बंदरा से। आप कहाँ से आती हैं? सुजापुरपुर से। आप किसका एग्जाम दिलवाना है? और खुद ही है एग्जाम, आप ही का है? अच्छा, कैसी तैयारी है? तैयारी तो अच्छी चल रही है।
अच्छा अच्छा जा रहा है ठीक। दोस्तों आप देख सकते हैं ये समस्तीपुर का जो फुट ब्रिज है जिसपे लोग चलकर जो ऊपर जाते हैं और इस ट्रैक रेलवे ट्रैक को जो क्रॉस करते हैं, आप देख सकते हैं कितना खचाखच भरा हुआ रहता है। यहाँ भी जो है काफ़ी दिक्कतों का लोगों को जो है सामना करना पड़ता है। समस्तीपुर में ऐसा ही एक और ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज जो है होनी चाहिए, जिसके वजह से यहाँ पर इस पुल पे जो लोडिंग है वो कम सकता है। सरकार को ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और समस्तीपुर भी सांसद हैं, वो हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि ऐसी ही पुल एक और यहाँ पे बनवावें ताकि इस पुल पर जो लोडिंग है वो कम हो सके। आप देख सकते हैं कितने लोगों को दिक्कतों का सामना करते हुए इस ओवर ब्रिज से लोग क्रॉस करते हैं। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर एग्ज़ाम का जब एक सेटिंग खत्म होगी उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी। दोस्तों इस वक्त जो है स्टेशन रोड में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं सामने जो है श्रीमती इंद्रानी कामेश्वरम्बा सिया देवी बालिका उच्च विद्यालय यानी कि घोसलेन स्कूल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट सब है अपने अपने सेकेंड सीटिंग के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सेकेंड सीटिंग में, ये लोग का एग्जाम है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं क्या कुछ कहती हैं वो लोग। अभी सेकेंड सीटिंग में एग्जाम है, कहाँ से आए हैं, कैसी तैयारी है, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एग्जाम सब कैसा गया? ठीक ठाक जाता है एग्जाम? अभी प्रूफ अच्छी तैयारी है पूरा, अभी लिख देंगे पूरा? पूरा तो नहीं हो पाता है, टाइम नहीं बच पाता है, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, क्या नाम हुआ? शालिनी कुमार। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है गार्जियन भी यहाँ पे दिख रहे हैं स्टूडेंट के साथ, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए सर? सारंजल से आए हैं। कौन सा स्कूल का यहाँ सेंटर है? ये बालिका हाई स्कूल। हाँ, घोसलेन में कहाँ का सेंटर है सारंजल? नरघोगी से हैं आप लोग? बिरौली का भी है। हाँ, कैसी तैयारी चल स्टूडेंट की हुई है यहाँ पे? ठीक ठाक है, पूरा लिख लेती है आपके स्टूडेंट? लिख लेती है स्टूडेंट, बताइए ना क्या लिखती है। सर आप लोगों को क्यों आना पड़ रहा है, चूँकि स्टूडेंट तो अकेले भी आ सकती है, जब कॉलेज करने आ सकती है? दूर है, बच्चे को अकेले कैसे आने देंगे, लड़की उड़की है, रास्ते में चक्कर में साथ में आना पड़ता है, ट्रैफिक का दिक्कत वगैरह इसके वजह से ना। आप तो देखते ही होंगे दूसरे स्टेट में तो लड़कियों को जो है अकेले ही जाना पड़ता है एग्जाम, उसका बाप माँ तो नहीं आता है साथ में? यहाँ तो गार्जियन साथ में भी आना पड़ता है। ये अपना बिहार में कुछ अलग संस्कृति है, अपना एक अलग संस्कृति सुरक्षा को लेकर नजर है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं सुरक्षित है, अगर सुरक्षित रहता तो हम लोग को आना पड़ता, लड़की अकेली आती है, अकेली रहती है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मुकेश राम। आप लोगों का एग्जाम है सेकंड सिटिंग में, कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। इससे पहले एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया था। अच्छा, कहाँ से आए? सारंजन से। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, अब तक इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेशन रोड समस्तीपुर में और आप देख सकते हैं सामने जो है प्लस टू मिल्लत एकेडमी समस्तीपुर है, इसमें जो अभी सेंटर है ताजपुर हाई स्कूल का सेंटर। आइए यहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे, जो स्टूडेंट अभी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, सेकेंड इनिंग जो है अभी जो 1:45 से स्टार्ट होती है एग्जाम, और उसके लिए जो बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कैसी तैयारी है उनकी, आइए देखते हैं। इस वक्त जो है आप लोग मिल्लत एकेडमी के बाहर खड़े हुए हैं, 2 बजे से एग्जाम है, कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी। कहाँ से आए हैं? ताजपुर हाई स्कूल से। ताजपुर हाई स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, तो ताजपुर का ही यहाँ पे सेंटर है ना? ठीक है, इससे पहले अच्छा एग्जाम गया था? क्या नाम हुआ? दोस्तों और भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। इस वक्त स्टेशन रोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल्लत एकेडमी के बाहर स्टूडेंट की जो है काफी तादाद है और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट है, जो आप सामने देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट है वो अपने पाली का इंतजार कर रहे हैं। अभी सेकंड पाली जो स्टार्ट होने वाली है, सेकंड इनिंग एग्जाम जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं, उनसे पूछेंगे कैसी तैयारी है, क्या कुछ वो लोग कहती है। और कहाँ से आए हैं? रहीमाबाद से। रहीमाबाद ताजपुर जी। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है, पता चलेगा। और इससे पहले जो एग्जाम सब गुजरा है वो अच्छा गया है? बहुत अच्छा गया है। क्या
क्या नाम हुआ? राबिया मशरूम। इंटरव्यू में सेंटर है, कैसी तैयारी है? अच्छी है, पूरा लिख देंगे। कहाँ से आए? कानपुर से। तो आज कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम हुआ? दोस्तों यहाँ पे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए मुझे देखते ही भागने लगे, पता नहीं क्या क्यों भाग गया है। जरूरत नहीं भागने की, जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एग्जाम दिलवाने आए हैं? एग्जाम दिलवा रहे हैं। किसका? बाहर का एग्जाम है। तो ताजपुर का सेंटर इसी में है? जी, बहुत अच्छा चल रहा है। ताजपुर का सेंटर यही मिले देखे कैसी तैयारी? तो पहले जो एग्जाम तो किया वैसा किया, तो आज पूरा लिख देंगे। कौन सा सब्जेक्ट है? कहाँ घर हुआ? ताजपुर में। क्या नाम हुआ? आप लोगों की तैयारी कैसी है? पहले जो एग्जाम सब लिखे हैं सब अच्छा गया? तो ताजपुर का सेंटर है यहाँ, मिलने तक ये ताजपुर का सेंटर है ना? हाँ। तो आप लोग ताजपुर हाई स्कूल में पढ़ते हैं ना? अच्छा, खुद अभी का एग्जाम है। क्या नाम हुआ? तीन चार लड़की जो है यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे पूछ लेते हैं कैसी तैयारी आपकी? अच्छी है। पहले जो एग्जाम सब लिखे अच्छा किया? बहुत अच्छा गया। अच्छा किया। कहाँ से आए हैं? ताजपुर से। मिले थे एकेडमी में है? दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे जो गार्जियन टाइप के जो लोग हैं वो सब जो है भैरोकरा, फाजिलपुर, कुआरी, ताजपुर तमाम जगह से जो है रहीमाबाद वगैरह से जो नज़र आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनका एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लड़की को लेकर के आए हैं? लड़की को लेकर आए हैं। कहाँ से आए हैं? निघरुआ के रहने वाले हैं। ताजपुर हाई स्कूल में पढ़ती है? कैसी तैयारी है बेटी? ठीक है, अच्छा एग्जाम जा रहा है ना? यहाँ पे फर्स्ट इनिंग जो है खत्म हो चुकी है। इन लोगों से पूछना चाहेंगे, स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे कैसा एग्जाम उन लोगों का गया है? एग्जाम आप लोगों का खत्म हो गया? अच्छा लिखे? ठीक है। अच्छा लिखा? बहुत अच्छा। पूरा लिख दिए? जी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस, बायो। तो बायो था। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लंबी कतारें लगा के सब अपने अपने अपना अपना जो है हॉल टिकट वगैरह दिखा के अंदर की ओर जो है एंट्री करेंगी। और इससे पहले जो हम इन लोग से जान लेते हैं, आज जो स्टूडेंट बाहर अंदर से जो एग्जाम देकर निकल रही है उनसे बात करना चाहेंगे क्या कैसा एग्जाम था आज, कितना एग्जाम वो लिखी आई बात देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है एग्जाम देकर जो है सेनेट अकेडमी से इस वक्त जो है पहली पाली थी जो थी वो एग्जाम देकर अभी निकल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा एग्जाम गया, कितना परसेंट वो अभी तक जो है लिखे हैं टोटल एग्जाम में, आइए बात करते हैं। और दोस्तों इस वक्त जो है ताजपुर हाई स्कूल की लड़कियाँ नजर आ रही हैं, कैसा एग्जाम गया आप लोगों का? अच्छा गया। इससे पहले कैसा गया? कौन सा सब्जेक्ट था? बायोलॉजी था। कितना परसेंट लिखे, कितना क्वेश्चन लिखे? क्या नाम हुआ? दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं स्टूडेंट जो है यहाँ पे नजर आ रही है, कैसा एग्जाम गया आपका? कितना परसेंट? कितना लिखे टोटल क्वेश्चन लिखिए? पहले का एग्जाम सब कैसा किया? कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस में। कौन फिजिक्स? तो आपका कौन सा था? और दोस्तों यहाँ पे जो है ताजपुर हाई स्कूल से और भी लड़कियाँ हैं जो इस वक्त जो है एग्जाम देकर निकली है, एग्जाम लेकर निकली है। यहाँ पे बात करते हैं कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा किया। कितना लिखे? इससे पहले कैसा क्या एग्जाम? कौन सा सब्जेक्ट था? तो उम्मीद है कि अच्छा डिवीजन आएगा। आप लोगों ने कैसा किया? बहुत अच्छा किया। कितना लिखे? पूरा लिखे? आप लोग कैसा लिखे? पूरा लिखे? आपका कैसा किया? बहुत अच्छा किया। आपका है कि अच्छा एग्जाम लिखे हैं, पूरा में पूरा लिख देते हैं। अब ये हमारे साथ है कि एक और हमारे गार्जियन नजर आ रहे हैं, आइए दोस्तों। हाँ, देखिए बच्चे के साथ साथ जो है गार्जियन भी जो है बहुत परेशानी उठाते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए। ट्रैफिक का जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं समस्तीपुर में काफ़ी दिक्कतों का सामना ट्रैफिक को लेकर करना पड़ता है। हमारे साथ जो है यहाँ पे ताजपुर से परवेश भाई मौजूद है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चियों को लेकर? काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं। सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों को नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक यहाँ पूरा जाम हो जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है। कैसा एग्जाम गया बाबू? पेपर
इससे पहले जो एग्जाम दी थी अच्छा किया था, एडमिशन अच्छा आएगा। आप लोगों का एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। सेंटर था विमेंस कॉलेज में। अच्छा, अभी से पहले जो एग्जाम सब लिखे सब अच्छा गया? कितना मार्क्स अटेंड किए? कम से कम 80% किए हैं। अच्छा डिवीजन आएगा? वो तो पे डिपेंड करता है जो कॉपी चेक करते हैं। हाँ, तो आप लोग अगर लिखे होंगे तो आपको यकीन होगा ना, विश्वास होगा? अच्छा से जब चेक करते हैं तो अच्छा डिवीजन आएगा। ठीक है, क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हैं? दोस्तों इस वक्त जो है समस्तीपुर फुट ओवर ब्रिज पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जो है बहुत ही काफ़ी है, और यहाँ पे जो है ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पे जो अभी जो छात्र छात्राएं जो अभी इस वक्त जो है जितने भी छात्राएं जो अभी एग्ज़ाम देकर निकले हैं तो प्रथम पाली में, उनसे भी कुछ आने जाने वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लाई ओवर के ऊपर से जो है नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का इतना दिक्कत है मत पूछिए, जितना दिक्कत बताया जाए कम ही है। आप देख सकते हैं ये फुट ओवर ब्रिज पे लोग इस तरह से चलते हैं। एग्जाम गया? हाँ अच्छा गया। कैसा एग्जाम गया? विमेंस कॉलेज में था क्या? तो अच्छा फिर उसे कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट सब जो है आ रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए। कैसा गया एग्जाम आप लोग का? बहुत अच्छा। कौन सी जगह सेंटर था? लॉ कॉलेज में था। हाँ। कौन सा स्कूल का? कहाँ से आप लोग? कहाँ से आए? कल्याणपुर से। आपका कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा। कितना अटेंड किए हैं? कितना परसेंटेज पूरा? ठीक है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं, और पाएं सबसे पहले न्यूज़।